नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सभी। चलिए आज हम पढ़ेंगे आपकी पुस्तक भाषा सेतु कक्षा चार का पार्ट पाँच साहसी बालिका। तो चलिए जल्दी से आप सब अपने अपनी बुक निकालिए और साथ में पेंसिल भी रखिए ताकि आप मेरे साथ साथ उसे दोहराएंगे और जो कठिन शब्द है उन पर आपको अंडरलाइन भी करना है। इसकी ये बच्चों यह कहानी समुद्र तट के निकट रहने वाली उस साहसी बालिका की कहानी है जो अपनी जान की परवाह न करते हुए समुद्र में डूबते हुए जहाज के 14 यात्रियों को बचाती है। तो चलिए आप सब तैयार हैं इतनी अच्छी कहानी पढ़ने के लिए। चलिए मीलों दूर फैले समुद्र के बीचों बीच कहीं कहीं प्रकाश स्तंभ बने होते हैं। प्रकाश स्तंभ मतलब बच्चों रोशनी के खम्भे। तो मीलों दूर फैले हुए समुद्र के बीच में कहीं कहीं रोशनी के खम्भे बने होते थे, प्रकाश स्तंभ, जो समुद्र में छिपी हुई चट्टानों से जहाजों को सावधान करने के लिए तथा मार्ग दिखाने के लिए बनाए जाते हैं। जो क्या होता है बच्चों, जो उन पर लाइट लगी रहती है रोशनी के खम्भों पर, तो उससे क्या होता है कि जो यात्री रहते हैं जहाज वाले रहते हैं तो उनसे समुद्र में जो छिपी हुई चट्टाने हैं वो उस रोशनी में उन्हें दिख जाए। फिर यदि जहाज को रात्रि में मार्ग नहीं दिखाई दे रहा हो तो उन प्रकाश स्तंभ की रोशनी से जहाजों को मार्ग दिख जाए। ऐसे ही एक प्रकाश स्तंभ पर एक 14 वर्षीय बच्ची अपनी माँ के साथ बैठी थी। तो ऐसे ही एक प्रकाश स्तंभ था, उसके नीचे मतलब उस जगह पर एक 14 वर्ष की लड़की अपनी माँ के साथ बैठी थी। इस प्रकाश स्तंभ का कर्मचारी उस बालिका का पिता था। वह जिस प्रकाश स्तंभ के नीचे बैठी थी उस प्रकाश स्तंभ का कर्मचारी मतलब एक नौकर या सेवक बोलेंगे तो उस बालिका के पिताजी थे। वह किसी कार्य से नगर में गया था, मतलब कुछ ज़रूरी काम से वह कहाँ चले गए थे, नगर में। इस बालिका का नाम था ग्रेस। यह प्रकाश स्तंभ लंदन से थोड़ी दूर पर था और जो यह प्रकाश स्तंभ था जहाँ ग्रेस अपनी माँ के साथ बैठी थी बच्चों, यह लंदन से थोड़ी दूर पर था। उस रात बहुत भयंकर आंधी आई। बालिका ग्रेस था, उसकी माता ने भगवान का नाम लेकर किसी प्रकार रात बिताई। सवेरे ग्रेस ने दूरबीन से देखा कि दूर एक जहाज डूब रहा है। क्या देखती है ग्रेस कि दूर बहुत दूर एक जहाज डूब रहा है, दूरबीन से देखती है। दूरबीन से क्या होता है बच्चों कि हम दूर की चीज़ों को भी दूरबीन की सहायता से आसानी से स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। वह वीर बालिका उसी क्षण अपनी नाव लेकर समुद्र में उतर पड़ी। जब जैसे ही ग्रेस ने देखा कि एक जहाज डूब रहा है तो वह उसी क्षण क्या किया, उसने अपनी नाव निकाली, छोटी सी नाव थी उसकी, उसने अपनी नाव निकाली और उस नाव को लेकर वह समुद्र में निकल पड़ी जहाज की ओर। आंधी अभी पूरी तरह रुकी नहीं थी, लेकिन इस बीच जो आंधी आई थी वह पूरी तरह भी रुकी नहीं थी। समुद्र की लहरें बहुत ऊँची उछल रही थी, किंतु बालिका के मन में यही लगन थी कि यात्रियों को बचाना है। जो समुद्र की लहरें आती है आपने देखी होगी ना, तो वह अभी भी बहुत ऊपर ऊपर उछल रही थी, लेकिन ग्रेस बहुत साहसी थी, उसने किसी की परवाह नहीं की। उसके मन में सिर्फ एक ही विचार बार बार आ रहा था कि कुछ भी हो जाए मुझे उन यात्रियों की जान बचानी है। समुद्र की तेज उछलती लहरों ने कई बार ग्रेस की नाव को उलटने का प्रयत्न किया, लेकिन ग्रेस ने साहस नहीं छोड़ा। जो समुद्र की लहरें थी बच्चों, तो क्या किया मतलब कई बार इतनी ज़्यादा तेज हो जाती थी कि लगता था कि ग्रेस की नाव अभी पलटी, लेकिन ग्रेस फिर भी डरी नहीं। वह उसने साहस नहीं छोड़ा और वह अपनी नाव को आगे बढ़ाती गई। समुद्र की लहरों से लड़के उनका डट कर सामना करके वह अपनी नाव को आगे बढ़ाती गई। किसी प्रकार वह जहाज के पास पहुँची। उसने देखा कि जहाज डूब चुका है। वह जहाज के पास तो पहुँच चुकी थी, जब तक क्या हो चुका था कि जहाज पूरा डूब चुका था, परंतु एक लकड़ी के तख्ते पर 14 यात्री किसी प्रकार चिपके हुए हैं। लेकिन उसने देखा कि एक लकड़ी का तख्त है, उस पर 14 यात्री किसी तरह मतलब चिपके हुए थे। ग्रेस ने एक एक करके सभी यात्रियों को क्या किया, अपनी नाव पर चढ़ा लिया। जो समुद्र के एक तख्ता था जहाज के पास, उस पर सभी यात्री एक दूसरे से चिपके हुए थे क्योंकि वो लोग डर रहे थे कि अब तो हमें डूबना ही है। लेकिन अचानक से ग्रेस पहुँच गई और ग्रेस ने क्या किया, उन सभी 14 यात्रियों को एक एक करके अपनी नाव में चढ़ा लिया और सावधानी से मतलब
लहरें तो अभी भी तेज चल रही थी, लेकिन बड़ी सावधानी से नाव खेकर, खेकर मतलब नाव चलाकर प्रकाश स्तंभ पर पहुंच गई, जहां उसके पिताजी जहां पर कर्मचारी थे वो उसी प्रकाश स्तंभ पर पहुंच गई। ग्रेस बहुत थक गई थी, नाव से उतरते ही वो माता की गोद में जा गिरी। अब इतनी दूर ग्रेस नाव चला कर गई, लहरों से लड़ कर गई, तो उसे मेहनत भी करना पड़ी नाव चलाने में, यात्रियों को बचाने में, तो बहुत थक गई थी। और जाते ही क्या, वो अपनी माँ की गोद में गिर पड़ी। कुछ देर में ग्रेस के पिता भी लंदन से वापस आ गए, उन्होंने सब यात्रियों को नगर में पहुंचा दिया। अब थोड़ी देर बाद ग्रेस के पिताजी बाहर गए थे, वह भी प्रकाश स्तंभ पर आ गए। फिर उन्होंने क्या किया, सभी यात्रियों को उनके सुरक्षित जगह पर, उनके सुरक्षित घरों में पहुंचा दिया। सभी यात्रियों ने उस साहसी बालिका के सुखी जीवन के लिए भगवान से प्रार्थना की तथा उसे अनेक उपहार दिए। फिर सभी यात्रियों ने क्या किया, उस साहसी बालिका की बहुत तारीफ की, उसे बहुत सारा आशीष दिया, आशीर्वाद दिया और उसे अनेक उपहार दिए। तो आइए बच्चों, इसमें कुछ कठिन शब्द भी है, हम देखते हैं। जैसे कि प्रकाश स्तंभ, रोशनी के खंभे, साहस मतलब हिम्मत, प्रार्थना निवेदन, भयंकर डरावना, साहसी बहादुर, उपहार भेंट। तो ये था आपका आज का पाठ, आशा है कि आपको पाठ जरूर समझ में आया होगा। बच्चों आपको क्या करना है कि इस पाठ को घर पे 2 या 3 बार अच्छे से पढ़ना है, और जिस प्रकार ग्रेस ने साहस से काम किया, वह समुद्र की लहरों को देखकर भी नहीं डरी और उसके मन में दूसरों की जान बचाने का उसने प्रण लिया था वो पूरा किया, इसी प्रकार आपको भी कभी जीवन में हमेशा साहस से काम लेना चाहिए, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। धन्यवाद।